अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब शेयर करूंगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के जनब से 2022 के लिए एक मरतबा फिर नई जॉब वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। पूरे पाकिस्तान के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन जॉब्स के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात जानें, इसकी एडवर्टाइजमेंट रीड करें, इसका क्राइटेरिया रीड करें, अप्लाई करने के लिए सिंपली गूगल पर आ जाएंगे और गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे smartjobs.pk। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली smartjobs.pk लिख के गूगल पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे वेबसाइट शो हो जाएगी www.smartjobs.pk। हम सिंपली इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को चूज़ कर लेना है ताकि हमें न्यू गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो हमें शो हो जाएँ। तो यहाँ पर आप लोग एक पोस्ट फाइंड करेंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR जॉब्स 2022। सिंपली आप लोग इस पोस्ट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जॉब की मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तमाम जो क्राइटेरिया है, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यहाँ पर लिखी गई हैं। 4/6/2022 को ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR डिपार्टमेंट नेम है। और जॉब पोजीशन की बात की जाए तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन है और नायब कासिद के लिए प्राइमरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है। नीचे इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट मौजूद है। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर ऑफिस है उसके लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो जॉब्स हैं वो उसके लिए पंजाब सिंध KPK वाले अप्लाई कर सकते हैं और नायब कासिद के लिए मेरिट पे असामियाँ मौजूद हैं। और जो इस्लामाबाद दूसरी जो यहाँ पे जो ऑफिस के लिए जॉब्स हैं उसमें स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स हैं वो हैं मेरिट पे और वुमेन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो लाहौर वाली हैं इसके लिए भी मेरिट पे, और जो लाहौर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं जो हैं वो लाहौर के इर्द गिर्द जितने भी अजला हैं उनके लिए जो एक डिवीज़न बनाई गई है जो कि लाहौर है उसके लिए आप उन अजला से अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि कराची के लिए डिफरेंट जो अजला हैं उनको मिला के एक डिवीज़न ऑफिस बनाया जाता है, तो उसके लिए जो कराची वाले हैं वो तमाम लोग कराची वाले और उससे जितने भी मुंसलिक अजला हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कोयटा एक ऑफिस है, पेशावर है, इन तमाम वैकेंसीज़ के अंदर मेरिट पे असामियाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, 18 से 30 साल एज लिमिट है, इंटरमीडिएट एजुकेशन होनी चाहिए और नायब कासिद के लिए जो है वो प्राइमरी पास होना चाहिए। जो स्टेनोटाइपिस्ट का स्केल है वो पे स्केल 14 है। नीचे यहाँ पे तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस इसको लाजमी रीड करिएगा। और अप्लाई करने के लिए njp.gov.pk नेशनल जॉब पोर्टल पे आपको अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अप्लाई का सेक्शन भी यहाँ पे मौजूद है और अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली nationaljobportal.gov.pk के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों।